आज सोनी लेकर आई आप सबकी डिमांड पे एकदम बाजार जैसी घर पर ही बनाए आइसक्रीम झटपट सिर्फ 10 मिनट में। इनमें एक एक ये देखो कटगोला। हेलो, राम राम जी, नमस्ते। और सब कैसे हो? ऐसा करते हैं सभी स्वस्थ हो, नमस्ते हो। स्वागत है आपका सोनी विलेज लाइव यूट्यूब चैनल में। तो आज सोनी बनाने जा रही है गर्मियों की सभी की फेवरेट बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही हेल्दी घर की बनाई हुई आइसक्रीम। तो राम राम, राधे राधे सभी को, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए अभी हम आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको चाहिए यहाँ पे दूध। दूध कच्चा दूध हो? कच्चा दूध या पक्का दूध? कैसा? नहीं, कच्चा हो। कच्चा दूध? हाँ, कच्चा दूध। 1 लीटर दूध है, कच्चा दूध लेना है। हाँ। उससे सही बनेगी, मतलब कच्चा दूध रहेगा तो उसमें पानी जलाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो अभी हम दूध को डालते हैं कढ़ाई में। तो अभी हमने कर दी गैस चालू और अब बनेगी एकदम बाजार जैसी आइसक्रीम घर पे। और यहाँ में हम जब तक इसको ओटेंगे तब तक इसका दूध का आधा नहीं रह जाए। अच्छा, दूध को चलाते रहेंगे? 1 लीटर दूध है, आधा लीटर रह जाए। बहुत इसको चलाना बंद नहीं करना है, मतलब ये साइड में जैसे दूध चिपक रहा है ना, इसको चटा चटा के ऐसे दूध में मिला दें, छोटा छोटा के इसी के अंदर मिलाते जाएंगे। तो अभी दूध हमारा जल गया है, यानी आधा रह गया। अभी आधा नहीं रहा, अभी तो आधे से ज्यादा है। हाँ। तो इधर की साइड चलते हैं। अभी क्या क्या डलेगा वो भी तो देखना है। ये क्या क्या लिया है सोनी ने? इसमें तो चीनी है। तो अभी हमारा दूध तो पक ही रहा है, साथ में हमने लिए इधर चीनी। साइड में हमने कढ़ाई रख ली है छोटी सी। हाँ, आधी कटोरी हम चीनी डालेंगे। ये हलवाइयों की सीक्रेट है। और थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। हलवाई जो बनाते हैं आइसक्रीम वो भी ऐसे ही ज़्यादातर बनाते हैं। और चीनी को पकाएंगे। जब बनती है एकदम परफेक्ट मार्केट जैसी आइसक्रीम, वही स्वाद। चीनी को भी ऐसे ही घोल लेंगे चलाते चलाते। और यहाँ पे गैस कितनी रखी है सोनी? स्लो रखी है अभी तो। स्लो गैस पे ही पकाएंगे चीनी को भी? हाँ। चाशनी सी बना रहे हुए हैं। और अभी हमारी चीनी भी मेल्ट हो चुकी है और इधर हमारी कैरेमल भी बन चुकी है। तो अभी इसको घोल घोल के रख दो। हाँ, अभी इसको हम डालेंगे दूध के अंदर। और यही हलवाइयों की ट्रिक होती है, इससे आइसक्रीम में भी बहुत बढ़िया स्वाद आता है, बहुत बढ़िया जमती है। पहले हम इसको घोल लेंगे। अच्छा, ये क्या लिया है? कॉर्न फ्लोर। तो यहाँ पे लिया है हमने कॉर्न फ्लोर पाउडर। ये है, ये देखिए, ये वाला जो आसानी से मार्केट में मिल जाता है। इसकी जगह पर अरारूट भी ले सकते हैं और कस्टर्ड पाउडर भी लेते हैं। हाँ, आइसक्रीम बनाने में पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन वो चीज़ हमारे पास है नहीं, इसीलिए हमने इसी से काम चलाया। अब हम इसमें डालेंगे पानी इसको घोलने के लिए। हाँ। दूध ही डाल लेते, इसी में से दूध ले। दूध मैंने बचा नहीं पाया, दूध में घोल लें। और अभी हम डालेंगे इसके अंदर हल्के हल्के, यानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे। हाँ। चलाते चलाते ताकि जमे ना नीचे, चलाते रहेंगे और ऐसे डाल देंगे। और अभी इसको डालते ही ये देखो दूध कितना गाढ़ा हो जाएगा तुरंत, इसलिए ये डाला है कि हमारा ये दूध है एकदम गाढ़ा हो जाए। और जो आइसक्रीम आपने मार्केट में खाई होगी तो कितनी एकदम ऐसी लगती है ना, मलाई है। और इसको भी डाल देंगे। हाँ, अभी ये कैरेमल बनाए हमने, इसको भी डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही, और चलाते रहेंगे। इसका खास करके ध्यान रखें और सावधानी से। तो आज हमारी आइसक्रीम बनने के लिए जा रही है और बच्चे काफी इंतजार कर रहे हैं अभी। इससे ना कलर आ जा रहा है, जैसे चीनी भी पीस के डाल सकते हो। हाँ, अगर ये नहीं बनाना है, नहीं पकाना है इतना टाइम, तो दूध के साथ में ही चीनी डाल सकते हैं। 1 किलो दूध में कम से कम 200 ग्राम चीनी, क्योंकि ठंडा होने के बाद में थोड़ा मीठा कम लगता है ना, इसीलिए चीनी ज़्यादा ही डलती है। अब इसको चलाना बंद नहीं करेंगे, इसे चलाते चलाते पकाएंगे। और आप देख सकते हो आप कितना गाढ़ा होता जा रहा है। फिर से डालेंगे थोड़ी सी हमारी सोने की एकदम देसी अंदाज में स्पेशल रेसिपी, जिसको हर कोई देख के बना सकता है एकदम आसान तरीके से। हाँ जी, एक रिक्वेस्ट और है, आप सभी को हमारी रेसिपी पसंद आती है प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सोनी विलेज लाइव यूट्यूब चैनल पे बहुत बढ़िया बढ़िया कुकिंग वीडियो आती रहती हैं। जो घर में सामान होता है बस उतने ही सामान में बनती है हर रेसिपी। अब इसमें से काफ़ी बढ़िया महक भी आ रही है, इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं इसमें। हाँ, इलायची पाउडर। अच्छा, डालेंगे। तो इधर हमने
अल्लाह तोड़ दिया तो ये योगेश से टूट गया है। मैंने बॉडी पे प्यार से बनाया था इसको, बड़े प्यार से, लेकिन ये टूट गया। अभी इसी में काम चला रहे हैं, तो हमने यहाँ पे इलायची दाना को कूट के पाउडर बना लिया है। ये आपकी चॉइस है, वैसे तो हर किसी को पसंद होता है इलायची, क्योंकि बहुत बढ़िया खुशबू आती है। इसको थोड़ा ही थोड़ा करके डालेंगे ऐसे, हैं। एकदम से ऊपर को चल दो नहीं। देखो बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि ताई की आइसक्रीम कब बने और कब खाने को टेस्ट करने के लिए मिले हैं। हाय खुश है गए है बाबू जी। हो और अभी बढ़िया तरह से गाढ़ा हो चुका है, एकदम मलाई बन के तैयार हो गई, देख सकते हैं रबड़ी। गैस को कर देते हैं बंद। हाँ अभी हमने कर दी गैस बंद और झटपट बन के तैयार हो गई, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा इसमें, सिर्फ 5 से 10 मिनट के बीच में बन गई सॉरी। और अभी ये बन के हो गई तैयार, अभी इसको हम होने देते हैं ठंडा, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएंगे, उसके बाद में हम भरेंगे इन कपों में, हमारे पास फिलहाल यही है तो इनमें भरेंगे। अभी ये बन चुकी है, लेकिन इसको अभी हम ना जैसे ये दिख रहा है ना आपको हल्का हल्का दाना सा, ऐसे भी जमा सकते हैं, लेकिन हम मिक्सी मशीन में इसको चलाएंगे थोड़ा, मिक्सी जार में डाल के, तो एकदम बढ़िया हो जाएगा। जो आइसक्रीम जमेगी ना एकदम मस्त जमेगी निकलेगी, उस समय आपको बताएंगे कि मिक्सी मशीन में चलाने से कितना फ़ायदा हुआ। और अभी इसको हम लेंगे मिक्सी जार में डालेंगे। और अभी खोल के देखेंगे, ये देखिए अभी एकदम बढ़िया हो गया, अब डालेंगे जमाने के लिए। ये देखो कितना बढ़िया हो गया ना, ऐसे बनाना है। और ये हमारे पास कुछ कप आइसक्रीम जमाने वाले, तो इनके अंदर ऐसे डाल देंगे, फुल भर दे फुल। बस और ऊपर तक। और अभी हमारे एक कप भर गए, अब देखो इसकी के अंदर डंडी दी गई है, इसी को लगा देते हैं फिलहाल, तो ऐसे। अभी इसके ऊपर हम लगाएंगे पॉलोथीन, जिससे अभी इसको हमने कवर कर दिया अच्छी तरीके से, डबल कोटिंग देखिए, तो अभी ये टेम्परेचर को अच्छी तरह से मेंटेन करेगा। अभी इसको रखेंगे हम फ्रिज के अंदर, फ्रिज के अंदर रखेंगे 5-6 घंटे के लिए रखेंगे फ्रिज के अंदर, पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमारी इतनी आइसक्रीम बनके तैयार हो गई, चलिए। अभी सुबह हो गई, तो बच्चों को अभी बर्फ़ टेस्ट करवाते हैं और देखते हैं कैसी बर्फ़ जमी है हमारी सुबह ही सुबह मॉर्निंग में। और ये लिए हमने बांस की लकड़ी, बस इनको बीच में से फाड़ देंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से। चार नहीं 8 चाहिए, चार ही तो है रही है। एक में से 4 है भाई जी, एक में से 4 हो गई। तो ये देखिए अभी हमने ढक्कन निकाल दिए हैं, ये ढक्कन में पहले से लकड़ी आती है, ये देखो प्लास्टिक वाले में इसकी जगह है, तो बस इसी में इस वाली लकड़ियों को ऐसे फंसा देंगे। ये बन गई हमारी देसी आइसक्रीम बिल्कुल मार्केट जैसी, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, ऐसे हल्के से ऐसे घुमाएंगे, मतलब पहले इसको थोड़ा सा पानी में डाल देते ना, जैसे वो डालते हैं ना ठेले वाले, ऐसे हल्का सा पानी में बोड़ो लीजिए, अब आराम से निकल जाएंगे। ये देखो, अरे निकल जा, वाह ये देखो कितनी मस्त आइसक्रीम निकली है, एकदम मार्केट जैसी रबड़ी में लगी हुई। ओ ये इस पे थोड़ा जोर लग गया तो ये तिरक गई, कोई दिक्कत नहीं, खाने में बढ़िया होनी चाहिए, बस है ना। अभी सभी को निकालते हैं इसी प्रकार से। ये देखो ये कितनी एकदम चिकनी निकली ना, एकदम मार्केट जैसी, हमने जो मिक्सी मशीन में चलाया था ना बाद में, बस इसी की वजह से एकदम चिकनी निकल रही है। बच्चों को सबर नहीं, तो बच्चों ने तो नंबर लगा दिया इधर विवेक और इधर मानव। और ये रही आप सबके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी बहुत ही सुंदर सुंदर आइसक्रीम।
और इसको कौन टेस्ट करेगा? सोनी को टेस्ट करवाएं। हाय सोनी, ये लीजिए ठंडी ठंडी आइसक्रीम। हमारा तो परहेज, तो हम तो नहीं खाएंगे ठंडी चीज। एकदम बढ़िया लग रही है। एकदम बढ़िया, बनाने वाले तो वैसे ही तारीफ करते दोस्तों, है ना। ये लीजिए योगेश। अभी हमारे हिमांशु और राज सो रहा है, तो दोनों के लिए इसी में वापस, इसी के अंदर वापस रख देते हैं और फ्रिज में रख देंगे। वो जाग जाएंगे तो वो भी खा लेंगे। ले ओ, एक एक और के ले लो, चलो मौज करो, खाइए। और कौन खाएगा इनको? और अभी हम इस कटोरी को निकालते हैं, आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी, क्योंकि ऐसे वो ठेले वाले देते थे ना, जैसे ये कटोरी में बर्फ़ जमी हुई है। अभी इसको जैसे बाहर निकालेंगे, पहले पानी में रखते हैं और फिर पानी में डालने के बाद थोड़ा ऐसे कर देंगे हाथों पे, और ये देखो ये घूमने लग गई ना। बस अभी इसको बाहर निकालेंगे ऐसे करके, ऐसे थोड़ा सा ऐसे मार देंगे। आगे आगे ये आ गई निकल के एकदम मलाई वाली आइसक्रीम, बहुत ही स्वादिष्ट। इसको बस ऐसे चार पीस में कटिंग करेंगे। आपने अक्सर करके खाई होंगी ऐसी, है ना। और बस इनमें एक एक लकड़ी ऐसे लगा लेंगे। ला लकड़ी, और ये बन गई हमारी कट वाली आइसक्रीम। ये देखो कटगोला, एकदम परफेक्ट। और आप सभी को आज की हमारी आइसक्रीम रेसिपी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना। आपके कमेंट का हमको बेसब्री से इंतज़ार रहता है। ये लीजिए अभी कटगोला आइसक्रीम खाइए। ये लीजिए, ये लीजिए, सबको पकड़ो, सबको। ये लीजिए सब लोग खाइए और टेस्ट करके बताइए कैसी लगी हमारी कटगोला बर्फ। सुबह सुबह बच्चों ने चार चार आइसक्रीम खाई, ये बोल रहा है मैंने चार खाई है। भैया ने तीन खाई है, हाँ। अम्मा तो बाबा के सबके हिस्सा की खा गए बच्चे। अच्छा मम्मी दे दी आदि। और दोस्तों आज की जो आइसक्रीम रेसिपी बहुत गजब की बनी, कैसी लगी? मस्त लगी, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट। आप कब बना रहे हो ये रेसिपी को जरूर बताना कमेंट में, और जरूर बनाना, इस प्रकार से बनाना झटपट बन जाती है। और बस एकदम घर मार्केट वाला स्वाद, ठेले वाला स्वाद आप घर पे ले सकते हैं घर बैठे। तो आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम।